सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने वाले हैं, तो सिंपली एक बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है 3.5 and 2 inches, ठीक है। तो नॉर्मल बॉक्स, नॉर्मल जो साइज होता है वही लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें शेप ले लेना है, बॉक्स ले लेना है, ठीक है। साइज सही दे दीजिए 3.5 and 2। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कीजिए या उसी की कॉपी करके उसको छोटा कर दीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको जो है कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ओके। एंड यहाँ से सिलेक्ट करके इसको जो है डिलीट कर देंगे। उसके बाद सबको सिलेक्ट करेंगे, इसको जो है कर्व कर लेंगे, जिससे हम इसको इसकी शेप को जो है चेंज कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसकी शेप को जो है चेंज कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से जो है इसकी शेप को चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शेप को आप जो चेंज कीजिए। अभी जितना मैं कर रहा हूँ आपको उतना ही करना है, बाकी आपको अपने हिसाब से जो है छोटा बड़ा जो जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, इसको रोटेट कर लीजिए एंड इसको जो है हल्का सा बाहर की तरफ ले आइए इतना कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, हमें जरूरत पड़ेगी पेन टूल की। तो पेन टूल को यहाँ जो है एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या करना है, तो अभी लाइन ले लीजिए हमने, उसके बाद इसको जो है कन्वर्ट टू कर्व, दो लाइन यहाँ पे आ गई है इसकी, एक इसको डिलीट कर देते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कर्व हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें इसको जी इस तरह से जो है इसको शेप को चेंज करना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है, उसको कन्वर्ट टू कर्व करके इसकी शेप को चेंज करके इसकी जो है मिरर कर देना है। इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए, इसको मिरर कर लीजिए एंड उसके बाद जो इसको यहाँ पे मिला दीजिए और ऊपर वाले नोट को ऊपर मिला दीजिए, ठीक है। नाउ अब इसको जो है हमें दोबारा इसके शेप को चेंज करना है, तो इसको जो है इस तरीके से कर लीजिए, जैसे मैं शेप चेंज कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से शेप चेंज करनी है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरीके से इसको जो है ओके शेप चेंज करते रहिए। जहाँ पर इसकी लुक आपको बेटर आएगी वहाँ पे इसको रोक देना है, ठीक है। अभी मैं इसकी लुक को थोड़ा बेटर कर रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से लुक की इसकी बेटर करते हैं। ध्यान से देखिए, आप कोशिश करते हैं नई लुक इसमें आ सके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शेप को किस तरह से जो है एक अच्छी शेप में इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये बेटर लग रहा है, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इनको जो है वेट कर लीजिए, ठीक है। ओके, वेट कर लिया हमने, उसके बाद इसकी शेप को चेंज कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ बड़ा करने के बाद इसको लाएंगे इसके साइड में, ठीक है। अभी हम जस्ट इसको रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो है मिरर भी इसका चेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ हम लाते हैं। उसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ तक एंड बॉक्स को जो है ट्रिम कर लेंगे, ओके। नाउ अब इस शेप को थोड़ा आगे की तरफ हम इसको जो आगे की तरफ खींच लेंगे, तो ये खींचने पर इस थोड़ा सा बड़ी हो जाएगा, ये बड़ा होकर लंबा हो जाएगा, तो इसकी लुक थोड़ा सा अच्छी लगेगी कार्ड के हिसाब से, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ एंड लेफ्ट यानी कि एल प्रेस कर लेंगे, तो इसके जो है लेफ्ट लाइन आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, इसमें इसकी जो है एक और कॉपी लेनी है, इसको जो है यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, इसको हल्का सा ऊपर ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। नाउ इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद सेम थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको जो है यहाँ तक, हल्का सा रोटेट, फिर नीचे ड्रैग कर लीजिए इसको, ओके। नाउ इसकी जो एक और कॉपी करेंगे हम और इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। नाउ इतना हो गया, फिर से इसकी एक और कॉपी लेंगे हम एंड इसको जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे तो काफ़ी इसकी जो फील जो है अच्छे से फील हो जाए, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके बाद देन अब स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छे से यानी कि एडजस्ट नहीं हुआ है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें इसको जो है फिर से जो है आगे की तरफ ड्रॉ करना है, हल्का सा कर लीजिए आगे इस तरीके से एंड उसके बाद इसको दोबारा फिल करना है, दोबारा फिल कर लीजिए एंड उसके बाद जो है इसको डिलीट कर देना है,
इसके बाद जो इसमें कलर फिल करते हैं, ऑरेंज कलर का मिक्सर कर देते हैं इसमें एंड यहाँ पे भी एंड नाउ इसमें जो है यही कलर रखते हैं। नाउ इसमें जो है हम जो है डीप येलो या ऑरेंज कलर इस तरीके से, तो अभी कलर फिल हो गया। उसके बाद क्या करना है इनको जो है इनका जो है ओके इसके बाद ऊपर भी स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं, ऊपर जो है ब्लैक कलर यूज़ करना है, तो ऊपर ब्लैक कलर यूज़ कर लीजिए ओके। नाउ इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन इनको जो है इनके आउटलाइन हटा दीजिए एंड इसको जो है पावर क्लिप कर लीजिए, ग्रुप करके पावर क्लिप करना है, तो इसको जो है पावर क्लिप कर लेते हैं हम बॉक्स के अंदर एंड इसको एडिट में जाइए, इसको ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर ले जाना है इसको ओके एंड पावर क्लिप के बाहर आ जाइए एंड इसके बाद हमें यहाँ पे जो है सब कुछ जो है हमने जो मैटर टाइप किया वो जो इसमें फिल कर देना है, तो जल्दी से मैटर को फिल कर लेते हैं, वीडियो को हल्का सा बड़ा कर देते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।